हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंस प्लस एडवांस दोनों को कवर करते हुए अपने क्रैश कोर्स को कवर करने वाले हैं। बेसिकली हम क्रैश कोर्स नहीं बोलते, रैपिड रिवीजन कोर्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली चीज़ों को याद दिलाऊंगा, जो जो यहाँ पे काम की थी, जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, और फिर हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं थ्योरी के साथ। केमिकल इक्विलिब्रियम में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? तो जो बेसिक चीज़ें हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो आप पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी भी सिस्टम के लिए वो कंडीशन होती है जहां पर उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कलर, मोल्स, कंसंट्रेशन, ये सब क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। हम लोग यहां पर दो तरह के इक्विलिब्रियम से डील करते हैं, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो फिजिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम जो ऑब्वियसली केमिकल चेंजेस को इन्वॉल्व करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की, ये हम लोग सीख चुके हैं कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो इक्विलिब्रियम सिर्फ एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आता है। जब ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसके रेट कॉन्स्टेंट हम लोग क्या बोलते हैं? Kf। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके रेट कॉन्स्टेंट को हम क्या बोलते हैं? Kb। और किसी भी रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है वो Kf अपॉन Kb के इक्वल होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, Kf भी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। अगर हम आरहेनियस इक्वेशन लगाए तो Kf का फॉर्मूला क्या बनेगा? A फॉरवर्ड इंटू ई टू द पावर माइनस ई फॉरवर्ड अपॉन RT। सही है। Kb बताओ, Kb का फॉर्मूला क्या बनेगा? Kb विल बी इक्वल टू A बैकवर्ड इंटू ई टू द पावर माइनस ई बैकवर्ड अपॉन RT। और इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सिंस Kf और Kb दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए। इस चीज़ को फिर हम अभी आगे काम में भी लेंगे जब हम वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद टेम्परेचर देखेंगे तब। दूसरा, जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ चुका होगा, तो इक्विलिब्रियम पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो चुकी होती है? इक्वल। और जो दूसरी चीज है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बताओ दोनों ही क्या हो जाती है? वो दोनों कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इनको हम ग्राफिकल फॉर्म से भी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर आप ग्राफ बनाए, तो अगर आप ग्राफ बना रहे हो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में, तो देखें इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है और प्रोडक्ट कितना होता है? जीरो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, और इक्विलिब्रियम पर दोनों क्या हो जाती हैं? सेम। तो जहां पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो गई, वहां पर क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम। तो एक ग्राफ है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम के बीच में। अगर यही ग्राफ हम प्लॉट करें बिटवीन कंसंट्रेशंस और टाइम के बीच में, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो वो कॉन्स्टेंट हो जाती है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो वो भी क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट। ये जो पॉइंट है, यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हुई है, लेकिन कंसंट्रेशन का इक्वल होना इक्विलिब्रियम को सिग्निफाई नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कब आया है? जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है? कॉन्स्टेंट। तो यहां पर आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिल चुकी होगी। सही है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी केमिकल इक्विलिब्रियम की, जो आप सभी को पता होना चाहिए, कि जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इज डायनामिक इन नेचर कहने का मतलब, जब इक्विलिब्रियम आता है तो आपको ऐसा लगता है सब कुछ रुक गया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब इक्विलिब्रियम आता है, एट इक्विलिब्रियम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस अकर, बट एज दे अकर एट द सेम रेट, एट द सेम रेट नो चेंज
is observed. तो ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम पर सब रुक गया है, but actually ऐसा नहीं होता है. इक्विलिब्रियम पर forward और backward दोनों reactions एक ही speed से चलती रहती है. तो ऐसा लगता है भाई जितना फॉरवर्ड गया उतना ही बैकवर्ड आ गया, आपको अल्टीमेटली कोई चेंज नजर नहीं आता है. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो इक्विलिब्रियम के बारे में आपको पता होने चाहिए. दूसरा, अगर आप देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के वन, याद आया, अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो तो उल्टा करने पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, वन अपॉन के वन. अगर आपने रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 2a plus 2b gives 2c, तो ये जो नंबर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर पे चला जाएगा. सही है, अगर आपने डिवाइड कर दिया तो वो मतलब जैसे मान लो 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है. अगर आपने दो रिएक्शंस को आपस में ऐड किया तो हाँ उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर डिवाइड किया तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, सॉरी सबट्रैक्ट किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी, डिवाइड. तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं जिनमें आपको दो तीन रिएक्शंस दी हुई होगी और उनको मैनिपुलेट करके आपको उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना होगा. ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत बार देख चुके हैं और आपको शीट में भी ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली ही मिल जाएंगे, है ना, अभी देख भी लेंगे हम लोग. उसके बाद देखो जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना. तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मेनली हम दो तरह से लिखते हैं, केसी और एक केपी. तो एक्टिव मास ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो एक्टिव मास, जब हम एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के इक्वल लेकर चलते हैं तब तो हम क्या लिखते हैं, केसी. और जब हम एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, केपी. तो मेनली गैसेस के लिए हम लोग एक्टिव मास को प्रेशर के इक्वल लेकर चलते हैं, और एक्वस या फिर सॉल्यूशन फेज स्पीसीज के लिए एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के इक्वल लेकर चलते हैं. इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो टाइप डिफाइन करते हैं, एक होता है केसी और एक होता है केपी. सिंस जैसे मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस के लिए हम पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं, इस वी को इधर भेज दो तो पी इक्वल टू क्या बनता है, सी आर टी. तो अगर आपके पास कोई गैसियस फेज रिएक्शन है तो उसके लिए हम प्रेशर भी डिफाइन कर सकते हैं और कंसंट्रेशन भी डिफाइन कर सकते हैं. मतलब गैसियस रिएक्शंस के लिए हम केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना. तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि अगर मेरे पास मान लो कोई एक गैसियस रिएक्शन है N1A गैस प्लस N2B गैस, तो क्योंकि ये गैसियस फेज रिएक्शन है मैं इसके लिए केपी और केसी दोनों लिख सकता हूं. और केपी और केसी में क्या रिलेशन होता है, केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर क्या बनता है, डेल्टा एनजी बनता है ना. जैसे कई क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं, इनमें अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी अगर लेकर चलूं, जस्ट अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर रहा है, तो आप मुझे थोड़ा सा अगर टाइम दें. ठीक है, देखें आपके पास कोई एक रिएक्शन है, रिएक्शन सिस्टम है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है, और फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेंड. तो ग्राफ आपको दिया है बिटवीन लॉग ऑफ KP upon KC and log T. ठीक है, जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस तरीके का है. ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है आपको और ये जो एंगल है थीटा, ये आपको दिया हुआ है 10 inverse -2. कितना दिया हुआ है, 10 inverse -2. तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
is are the possible reactions. First, H2 gas plus I2 gas gives 2 HI gas. ठीक है, बस अभी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके सामने, इसे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए, सिंपल कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा मोल्ड करके इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. दूसरा ऐसे मान लो आपके पास है PCl5 गैस इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. थर्ड है आपके पास लेट से कुछ हम ले लेते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस. ठीक, और फोर्थ है आपके पास कुछ मान लो N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस. चलिए, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको. एक गैसियस रिएक्शन के लिए लॉग केपी बाई किसी दिया होता है, देखो केपी इक्वल टू होता है KCRT2 पावर डेल्टा NG. तो बताओ केपी अपॉन केसी की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, RT2 पावर डेल्टा NG के बनेगा. अब आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो जैसे आप लॉग लोगे, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, लॉग ओवर केपी अपॉन केसी विल बी इक्वल टू डेल्टा NG इंटू लॉग RT. जरा ध्यान से देखना, आपको ग्राफ दिया बिटवीन लॉग केपी बाई केसी एंड लॉग टी, तो लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी. ओवरऑल जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा लॉग ऑफ केपी अपॉन केसी विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, डेल्टा NG इंटू लॉग R प्लस डेल्टा NG इंटू लॉग T. अब देखो लॉग स्पेसिफाइड नहीं, तो लॉग टू द बेस 10 मानेंगे, तो हर तरफ लॉग टू द बेस 10 ही लेकर चल रहा हूं मैं. ठीक है, अब आपको दिख रहा है अगर आप लॉग केपी बाई केसी और लॉग टी में ग्राफ बनाओ, तो उस ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको डेल्टा NG वैल्यू देगी. यानी इस ग्राफ के हिसाब से डेल्टा NG की वैल्यू आ गई -2. इन में से वो करेक्ट आंसर होगा जिसका डेल्टा NG -1 होगा. है किसी का? देखो इसका डेल्टा NG 0 है, इसका डेल्टा NG 1 है, इसका डेल्टा NG निकालो. डेल्टा NG क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट्स के मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट के मोल -2. तो ये मेरा आंसर है, इसका डेल्टा NG 1 है, ये मेरा आंसर नहीं है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा. समझ पा रहे हैं? तो किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए आप केपी और केसी दोनों लिख सकते हो. प्रेफरेबली हम केपी लिखते हैं, लेकिन हम केपी केसी दोनों लिख सकते हैं, और इस रिलेशन के थ्रू हम केपी और केसी को रिलेट कर सकते हैं. एक और चीज पे ध्यान रखना, टी यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर होता है, जिसे आपको केल्विन में यूज करना चाहिए. किसमें यूज करना होगा, केल्विन. कभी भी डिग्री सेल्सियस में इसको यूज मत करना. दूसरा आर, आर की वैल्यू आप 0.081 यूज करोगे तब जब केपी ATM में और केसी मोल पर लीटर में लिखा हुआ हो, तो जनरली उसी यूनिट में मिलेगा और आपको इसी फॉर्म में इसको यूज करना है. बात समझ में आती है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेसिक चीजों को सीखते हैं. हमने तो देख लिया कि केपी केसी कैसे डिफाइन करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम केपी केसी कैलकुलेट भी करते हैं. तो हमने कई रिएक्शंस के लिए इनको सीखा है, मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं. आपके पास अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, तो पहली बात, तो रिएक्शंस विद डेल्टा NG इक्वल टू 0, वो रिएक्शंस जिनका डेल्टा NG इक्वल टू 0 होता है. जैसे एक आपके पास सबसे कॉमन रिएक्शन जो होती है वो होती है 2 HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस. ठीक है, तो मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पर HI के A मोल्स थे, ये दोनों थे 0 और 0. प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से आता है, बस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि छोटा सा रिवीजन हो जाए, क्विक रिव्यू. जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा, मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, आप यहां पर मोल्स में भी बात कर सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में भी बात कर सकते हो. तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो बताओ ए में से कितना जाएगा, ए अल्फा. ये कितना बनेगा, ए अल्फा बाय 2, और ये भी कितना बनेगा, ए अल्फा बाय 2. ठीक है, अब हम इस रिएक्शन के लिए केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं. ठीक है, तो एक बार हम दोनों ही लिखकर देखते हैं. ये हमें दिख रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा NG 0 है, तो केपी और केसी दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम. अच्छा, केपी कैलकुलेट करने से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे से पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला आता है. क्या होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर. क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, पता है ना. चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आ गए मोल्स. अगर मुझे केसी लिखना है, तो मुझे चाहिए
कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। तो मान लो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है उसका वॉल्यूम है V, तो बताओ A इंटू वन माइनस अल्फा डिवाइड बाई वॉल्यूम V, ये हो गई एच आई की कंसंट्रेशन। A अल्फा बाई टू V, ये हो गई एच टू की कंसंट्रेशन। A अल्फा बाई टू V, ये हो गई है आई टू की कंसंट्रेशन। सही है। अब आप देखो जब इसके लिए आप के सी लिखोगे तो के सी क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच टू दैट इज ए अल्फा बाई टू वी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई टू ए अल्फा बाई टू वी अपॉन ए इंटू वन माइनस अल्फा बाई वी होल स्क्वायर। सही है। तो देखो ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर से ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर गया, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर इंटू वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो ऑल दो ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इस तरीके से आप इसके लिए केसी निकाल सकते हो। केपी आपको केपी निकालना है तो केपी क्या बनेगा, केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आई टू अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई होल स्क्वायर। तो देखो ये चीजें मैंने आपको थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ाई है। आप देखो ये एच आई एच टू आई टू का एक गैसियस मिक्सचर बनेगा इक्विलिब्रियम पर। आप ध्यान से देखें तो एच टू और आई टू के मोल्स क्या हैं, सेम। ये अपने लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कैलकुलेशंस के अंदर काम में आएगा। किसी भी गैसियस मिक्सचर में अगर दो गैसेस के मोल्स सेम है तो उनका पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, सेम। उनकी कंसंट्रेशन भी क्या आएगी, सेम। उनका मोल फ्रैक्शन भी क्या आएगा, सेम। इसे आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स चाहिए। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस टोटल मोल्स आ जाएंगे ए। तो आप ध्यान से देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू कितना बनेगा, एच टू के मोल्स ए अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई ए। आई टू का आई टू के मोल्स ए अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई ए अपॉन ए इंटू वन माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई ए। तो देखो और इसका होल स्क्वायर भी बनेगा, ए से ए कैंसिल। ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो इस तरह से गिवन डेटा से हम किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए केपी और केसी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान से देखें यहां पर केपी और केसी में कहीं पर भी वॉल्यूम या फिर प्रेशर का टर्म नहीं है। बढ़ रहा हूं आगे, जो मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे सिखाई हुई है यहां पर, मैं जो आप चीजें आपको याद रखने को कहूं उन्हें जरूर याद रखना, आपके लिए बहुत बहुत हेल्प होने वाली है, कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी आपकी। तो रिएक्शंस विद डेल्टा एन जी वन, इसमें ना दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक ए गैस गोज टू बी गैस प्लस सी गैस टाइप। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं कि PCl5 गैस टूटकर क्या बना रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, करेक्ट। और ऐसे ही आप देखो ए गैस टूटकर क्या बना रहा है, 2B गैस। तो ऐसी रिएक्शन हो गई आपके पास, N2O4 गैस गिव्स यू 2NO2 गैस। सही है। तो देखो दोनों ही रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी वन है। अब आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया है, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो एक बार डराइव करके चेक कर लेना। इस रिएक्शन के लिए जब हम केपी लिखेंगे केपी, तो उसका इक्वेशन बनता है अल्फा स्क्वायर पी अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। डेल्टा एन जी वन हो, ए गोज टू बी प्लस सी, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो उसके लिए क्या बनता है अल्फा स्क्वायर पी अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। और वहीं अगर ए गोज टू टू बी है तो इस तरह की रिएक्शन के लिए केपी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, 4α² p अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। इसे आप याद रखें, ये बहुत ज्यादा रिपीट होती है और बहुत ज्यादा आपके काम में भी आती है। तो ए गोज टू बी प्लस सी टाइप रिएक्शन है तो केपी बनेगा अल्फा स्क्वायर पी अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर, और अगर ए गोज टू टू बी टाइप रिएक्शन है तो केपी क्या बनेगा, 4α² p अपॉन वन माइनस अल्फा स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर आपको प्रेशर के टर्म दिखाई दे रहे हैं, यहां से दिख रहा है केपी इज प्रोपोर्शनल टू पी है। तो बताओ अगर मैंने प्रेशर को 4 times कर दिया तो केपी कितने टाइम्स होगा। हाँ बिल्कुल सही भाई, केपी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल्स प्रेशर वॉल्यूम इन सब पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने प्रेशर को 4 times किया तो अल्फा अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा और केपी की वैल्यू फिर से क्या आएगी, सेम। तो प्रेशर बदलने पर केपी चेंज नहीं होता है, केपी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर एंड
does not changes with change in pressure, volume, moles, etc. तो जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर दो या फिर रिएक्शन ही चेंज नहीं कर दो तब तक केपी और केसी की वैल्यूज चेंज नहीं होती है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम केपी और केसी कैलकुलेट करते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको डील करना होता है। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। देखें पहला क्वेश्चन कह रहा है 25-27 डिग्री सेल्सियस द रिएक्शन NH3 गैस गिव्स हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस हैज KC इक्वल टू 4। ठीक है, व्हाट इज द KP फॉर द रिएक्शन दिस। तो देखो इसने फिर से दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। पहले तो आपको रिएक्शन दी है ये और इसका KC दिया हुआ है 4 और आपसे KP पूछा है इस रिएक्शन से। बताओ पहले इस रिएक्शन से इस रिएक्शन को बनाना होगा, तो उसके लिए पहले आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन बनेगी 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस और अब इसके लिए केसी कितना बन जाएगा 4² यानी 16। फिर आप इस रिएक्शन को करो उल्टा, है ना। तो बताओ अब इस रिएक्शन का केसी कितना हो चुका होगा 1/16 जिसे आप 1/4² भी लिख सकते हो। और अब आपको इस रिएक्शन के लिए केपी निकालना है। तो भाई केपी इज इक्वल्स टू क्या बनता है, केसी इंटू आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। तो देखें केसी की वैल्यू हो गई 1/16 R इंटू टी। टेम्परेचर कितना हो गया 527 यानी 800 केल्विन, तो आप इसको 800 R भी लिख सकते हो। और बताओ डेल्टा एन जी कितना 2-4 दैट इज -2। चलिए तो इस तरह का आपका आंसर होगा और इस तरह का आंसर दिख तो नहीं रहा है, इसका आंसर D आना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि तो R टू द पावर 2 दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, या फिर हो सकता है मिस प्रिंट हो, यहां पर यहां -2 आना चाहिए था पर अभी नहीं दिया हुआ है, मेरे पास एक ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आसान सा क्वेश्चन था, तो आसानी होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन में क्या है। चलिए मूव करते हैं देखें अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो अ वेसल कंटेन्स अ वेसल एट 1000 केल्विन कंटेन्स CO2 विद अ प्रेशर ऑफ 0.5 atm, सम ऑफ द CO2 is converted into CO on the addition of graphite. The value of KP if the total pressure at equilibrium is 0.8 atm. तो आप क्वेश्चन को समझें, ये गैसियस रिएक्शन है, इसमें CO2 गैस थी, आपने इसने कार्बन सॉलिड ऐड किया, इससे क्या मिला आपको 2CO गैस। तो देखें ये हम पढ़ भी चुके हैं, इतना तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा कि गैसेस के लिए अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे आ जाएं तो P प्रोपोर्शनल टू क्या होता है N, यानी जैसे जैसे गैस के मोल्स कम होंगे सेम उसी प्रोपोर्शन में गैस का प्रेशर भी क्या होगा कम, यानी अगर गैस के मोल्स 10% कम हुए तो गैस का प्रेशर भी क्या हो जाएगा 10% कम, अगर वो 20% कम हुए तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा 20% कम हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ध्यान से देखना हमें प्रेशर को मोल से बदलने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली प्रेशर से डील करेंगे। तो कह रहा है कि शुरुआत में आपके पास CO2 गैस थी 0.5 atm प्रेशर पर, ये तो सॉलिड है कोई प्रेशर नहीं होता, CO नहीं थी। अब कह रहा है जब इसमें आपने ग्रेफाइट को ऐड किया तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो मान लो 0.5 में से गया x, क्या बताओ इसके 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, बताओ इसके x से कितना बनेगा 2x बनेगा। अब बताओ ये तो सॉलिड है, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, इस टाइम पर सिस्टम का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 - x + 2x, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 + x और क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रेशर दिया हुआ है 0.8, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 आ गई ना। अब अगर x 0.3 है तो बताओ CO2 का प्रेशर कितना हो गया 0.2 और CO का प्रेशर कितना हो गया 0.6 atm। तो अगर आपको केपी निकालना है तो केपी क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ CO होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। तो बताओ CO का प्रेशर कितना 0.6 होल स्क्वायर यानी 0.6 × 0.6 अपॉन CO2 का प्रेशर कितना होगा 0.2, इसको 3 टाइम्स कैंसिल करेगा
तो केपी की वैल्यू आ गई 1.8। बताओ यूनिट बता सकते हो, यूनिट क्या होगी? देखो एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम यानी 1.8 एटीएम विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कर सकते हैं ना, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आसान सा क्वेश्चन था तो मूव करते हैं हम अपने अगले। अच्छा देखो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको, तो ऑप्शन आपके सामने है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि गैसेस के लिए हमें प्रेशर से मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली किसमें डील कर सकते हैं, प्रेशर में डील कर सकते हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कुछ सिंपल सा डेटा दिया हुआ है और अगेन दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया है एडवांस के हिसाब से, बट ये आसान है, मेंस में दोबारा भी पूछ सकते हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो आई होप ट्राई कर लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है देखो, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ए गैस गिव्स टू बी गैसेस 1.5 × 10⁻³। ये ना सब रिवर्सिबल के साइन है एक्चुअली। सो ए गैस गिव्स टू बी गैस, ठीक है, और Kf जो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³। कह रहा है इफ 10⁻⁵ मोल्स ऑफ ए एंड 100 मोल्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन अ 10 लीटर वेसल एट इक्विलिब्रियम, देन आपको Kb की वैल्यू निकालनी है बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो भाई देखो सिंपल सा कंसेप्ट था, आपने आराम से सॉल्व कर लिया होगा, K इक्विलिब्रियम होता है Kf अपॉन Kb के इक्वल। तो Kf आपको पता है, आप यहां से K इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो। तो देखो आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर ए के हैं 10⁻⁵ मोल्स, सही है, और बी के जो हैं वो 100 मोल्स दिए हुए हैं। अब ध्यान दो यहां पर वॉल्यूम से डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 10 लीटर वैसल दी हुई है, तो दिस डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से ये तो बन गया 10⁻⁶ मोलर और ये बन गया 10 मोलर। तो अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखूं तो बनेगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 2 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये ऊपर आएगा, वैल्यू बन जाएगी 10⁸ एंड दिस शुड बी इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। सो के एफ की वैल्यू कितनी है 1.5 × 10⁻³। तो बताओ के बी की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 × 10⁻¹ⁱ। कितना होगा 1.5 × 10⁻¹ⁱ होगा। तो देखिए यहां पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं वैल्यूज को, रेट कांस्टेंट के एफ दिया 1.5 × 10⁻³, 10⁻⁵ मोल ए है, 100 मोल बी है, ठीक है, डिवाइड बाय 10 किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, ये ऊपर आएगा 10⁸ के एफ अपॉन के बी, ये इधर आएगा इधर जाएगा, तो के बी की वैल्यू मिलेगी आपको 1.5 × 10⁻¹ⁱ। ठीक, चलिए तो आपके छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे जो कि किसके ऊपर बेस्ड थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन के ऊपर। अभी आपके पास देखो एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने आपको सिखाया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो देखें ये नहीं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये देखो ये क्या कह रहा है, 10 मोल्स ऑफ प्योर PCl5 गैस इज पुट इनटू अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट टी, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड एट टोटल प्रेशर ऑफ 20 एटीएम द प्योर PCl5 इज फाउंड टू बी 50% डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कह रहा है हाउ मच मोर PCl5 मस्ट बी एडेड टू द सेम कंटेनर एट टेम्परेचर टी सो दैट द न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर रीड 30 एटीएम। तो ध्यान से देखें ये आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास PCl5 था, PCl5 गैस, तो ये PCl5 गैस डिसोसिएट होकर क्या बना रहा है, ये बना रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, सही है। अब आप देखो ये आपके पास PCl5 है जो इनिशियली क्या है 50% डिसोसिएटेड है। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखें ये आपके पास है इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर 10 मोल्स है और इक्विलिब्रियम पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 50% डिसोसिएटेड है, तो इसका 5 मोल्स बचा होगा, बताओ ये कितना बनेगा 5 मोल्स और ये भी कितना बनेगा 5 मोल्स, और इस कंडीशन पर टोटल प्रेशर दिया हुआ है आपको 20 एटीएम, पी टोटल इज 20 एटीएम और जो अभी इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स होंगे वो कितने हैं 15। तो आप देखो अगर टोटल प्रेशर 20 एटीएम है और तीनों गैसेस के मोल्स
इक्वल है 5 5 5। तो जो टोटल प्रेशर है तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां पर हर गैस का प्रेशर 20/3, 20/3 और 20/3 होगा। तो अभी आप अगर आप प्रेशर्स की बात करो तो इसका प्रेशर है 20/3 atm, इसका प्रेशर भी कितना है 20/3 atm, और इसका प्रेशर भी कितना है 20/3 atm। तो अब अगर आप इसके लिए केपी लिखो तो बताओ केपी कितना आ जाएगा 20/3, दिस इंटू दिस अपॉन दिस आ गया। तो आपको प्रेशर टोटल पता है, टोटल मोल्स पता है और केपी की वैल्यू भी इसी इक्वेशन के लिए पता है। अब वो कह रहा है कि यहां पर और कितना PCl5 ऐड किया जाए, तो हम क्या करते हैं वापस से शुरू में चलते हैं। शुरू में कैसे चलेंगे, मेरे पास PCl5 गैस है, ये फिर से डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो देखो शुरुआत 10 मोल तो था ही, ये बोला एडिशनल और कितना PCl5 ऐड किया जाना चाहिए। तो मान लो मैंने 10 में कुछ और x मोल ऐड कर दिए, तो उसको मैं बोल रहा हूं a मोल्स। मेरे पास शुरुआत में a मोल्स ऑफ PCl5 है और a की वैल्यू 10+x है, हमें x ही ढूंढना है, ठीक है। अब मान लो इसकी डिग्री ऑफ डिसीजन है अल्फा, तो इक्विलिब्रियम पर a में से कितना जाएगा a अल्फा, ये कितना बनेगा a अल्फा और ये भी कितना बनेगा a अल्फा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए दो चीजें मुझे पता है, एक तो देखो टोटल मोल्स जो हो गए मेरे इक्विलिब्रियम पर वो हो गए a इंटू 1 प्लस अल्फा, और इस इक्विलिब्रियम का जो टोटल प्रेशर है वो 30 atm हो जाना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए kp लिखूं तो जो मैंने आपको सिखाया था अल्फा स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 20/3, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर नहीं बदला है, वॉल्यूम भी नहीं बदला है, सिर्फ प्रेशर बदला है। प्रेशर बदलने पर केपी चेंज नहीं होता है। तो आप ध्यान से देखो इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू पी, पी कितना है देखो 30 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20/3। ध्यान से देखो 0 से 0 गया, 3 इधर आएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 11 अल्फा स्क्वायर, अल्फा के लिए बन जाएगी √2/11, जिसे आप सॉल्व करोगे तो ये 0.426 के आसपास आता है। आ गया अल्फा, एक बार अल्फा मिल गया, अब आप इन कंडीशंस को कंपेयर करो, इन दोनों कंडीशंस को। तो अगर हम भाई मोल्स प्रोपोर्शनल टू पी होते हैं तो P2 यानी 30 atm डिवाइड बाय मोल्स a इंटू 1 प्लस, उल्टा कर लो N2 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू, या N2 अपॉन N1 लिख लो रादर, दैट विल बी इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो फाइनल मोल्स कितने हैं a इंटू 1 प्लस अल्फा, इनिशियल मोल्स कितने हैं, इनिशियल मोल्स टोटल 15, दिस शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर है 30 और इनिशियल प्रेशर कितना था 20। बोलो होगा, देखो 0 से गया 0, 15 यहां गया बनेगा 45, a इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू है 0.426, दिस शुड बी इक्वल टू 45/2। यहां से आप a के लिए सॉल्व कर लो, आपको वैल्यू मिलेगी 15.77। अब ध्यान दो a खुद किसके इक्वल था 10+x के, तो यहां से x निकाल लो कितना आ जाएगा 5.77 मोल्स आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम x के लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखें बी ऑप्शन 5.8 मोल्स आपको दिया हुआ है और यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट यूज कर रहा है कि आपने एक सिस्टम था इक्विलिब्रियम पर जिस पे आपने प्रेशर बदला है, तो प्रेशर बदलने पर केपी चेंज नहीं होता लेकिन अल्फा और मोल्स चेंज होते हैं और उससे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। चलिए तो ये थे कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपको सिखाते हैं इन द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम यहां से बढ़ रहे हैं आगे, अब मैं वो कुछ और चीजें सिखाता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक, फिर बाकी कंबाइंड क्वेश्चंस तो हम करते ही रहेंगे। तब आप देखें आगे एक और टॉपिक को हम देखते हैं जिसे हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत ही काम की चीज़ है, जेई ने बहुत कम इस पर क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए एडवांस्ड और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेडिंग डाले आप लोग नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें कुछ रटने का नहीं है, आप खुद अपने आप जज कर सकते हैं। बस जब क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हो तो आपको उसको डिपिक्ट करना आना चाहिए। तो मान लो आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जनरल फॉर्म बनूं लिखूं तो बनता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो अल्टीमेटली वैल्यू आएगी वो आपको ये बताएगी
इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स का अमाउंट ज्यादा है या फिर प्रोडक्ट्स का अमाउंट ज्यादा है। जैसे हम बोलें कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, 1 से बहुत छोटी है, तो अगर 1 से बहुत छोटी है तो इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिलेटिव क्या होगी, बहुत कम होगी। क्या होगी? बहुत कम होगी। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि प्रोडक्ट बहुत कम है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत कम गई होगी, रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी नहीं है, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में फेवर कर रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सिंपली बोल सकते हैं देयर इज वेरी लेस टेंडेंसी ऑफ रिएक्टेंट टू गेट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स। समझ पा रहे हैं? मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड गई नहीं है। ये वाला जो फॉर्म है ये इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन वन, ये आप मेनली यूज करते हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहां पर हम इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। आप यूज कर भी चुके हो जहां पर आप अल्फा को नेग्लेक्ट किया करते थे। लेकिन जो दूसरा फॉर्म है जो यहां आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, दैट इज अगर आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट 1 से बहुत बड़ा है। ये 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, जनरली ग्रेटर देन 10^3 को लेकर चलते हैं, यहां 10^-3 ले लेते हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट 1 से बहुत बड़ा है तो बताओ प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से क्या आने वाली है, बहुत ज्यादा आने वाली। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट, दैट इज द रिएक्शन विल ऑलमोस्ट गो फॉर कंप्लीशन। मतलब यहां पर क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, रिएक्टेंट में, सॉरी पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। तो ये आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने आपसे एक रिएक्शन बोल दी, ए गोज टू 2B+C, मैंने ए के 2 मोल से शुरू किया था, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 10^7, तो बताओ इक्विलिब्रियम पर अगर डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर मान लूं तो बताओ इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो आप ये कहोगे कि भाई देखो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू चिल्ला कर बोल रही है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी कहां पर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर ये पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ए ना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। जैसे मान लो रिएक्शन 99.5% चली गई, अब 99.5 चली गई तो चली गई, तो जो ए बचेगा इक्विलिब्रियम पर वो बहुत बहुत कम होगा, मान लो कुछ वाई मोल बचा, और ये y की वैल्यू बहुत छोटी आनी चाहिए, वो आप अपने आंसर से देख लोगे। अब आप कह रहे हो ऑलमोस्ट पूरा a b और c में कन्वर्ट हो चुका है, तो बताओ 1 मोल से 2 मोल बनता है, बताओ 2 मोल से कितना बनेगा इसका, 4 मोल, और इसके 2 मोल से c कितना बनेगा, 2 मोल। बोलो दिख रहा है, डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो मोल्स हैं वही कंसंट्रेशन हो गई। अब आप kc का एक्सप्रेशन लिखो, सो 10^7 विल बी इक्वल टू 4^2 इनटू 2^1 अपॉन y। तो देखो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32×10^-7। बोलो कर सकते हैं? तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन और उसका आंसर था y=32×10^-7। तो अभी समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखता नहीं है, बस एक बार आपको दिख गया ना तो फिर आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आ सकते। तो आओ इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको यहां पर चीजें सिखाएंगे। देखें अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद करेंगे, ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। उससे पहले देखें हम इस क्वेश्चन से डील करते हैं। ये देखें रिएक्शन है a+2b गिव्स c+d, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc के लिए दी हुई 10^9। बस ये वैल्यू पढ़ते ही मेरे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, कौन सी घंटी, कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है, ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। तो आप रिएक्शन लिखो a+2b gives c+d, इसमें थोड़े और ट्विस्ट डाल दिए इसने, कह रहा है इफ द इनिशियल मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर गिवन। तो देखो टाइम t इक्वल टू 0 पर a के मोल्स दिए हुए हैं आपको 0.5, b के दिए हुए हैं 1, c के दिए हुए हैं 3.5 और d के दिए हुए हैं 0.5। सही है, ध्यान से समझना, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc दिया हुआ है 10^9।
ये कंसेप्ट है जिसे हम रिएक्शन क्वेश्चन के थ्रू मूव करते हैं. रिएक्शन क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से आता है, अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस भी कर लेंगे. अगर आपको सभी रिएक्टेंट के अमाउंट दिए हुए हों तो ये आदत डाल लो, पहले आप इसका क्यू चेक करोगे. तो क्यू क्या बनेगा, ठीक है, डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर है देखो, तो क्यू क्या बनेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर. देखो यहां से 0.5 से 0.5 गया, Q की वैल्यू आ रही है 3.5. ये Q मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड. ऑल्दो इस क्वेश्चन में तो दिख रहा है साफ साफ कि फॉरवर्ड जाएगी, बट बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा. तो कभी भी आपको सभी रिएक्टेंट्स के अमाउंट्स दिए हुए हों तो आप पहले रिएक्शन क्वेश्चन चेक करोगे. अब आप देखो क्यू की वैल्यू केसी से छोटी है, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. एक बात, दोनों के अमाउंट दिए हुए है ना, आप डिसाइड करो एलआर कौन है. तो देखो 0.5 by 1, 1 by 2, ये भी 0.5, ये भी 0.5, कोई भी एलआर नहीं है, दोनों स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है. किस रेशियो में, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, जो कि कितना है 1:2, कितना है 1:2. अब पहली चीज, दो कंसेप्ट लग गए इसमें ध्यान से देखना. एक तो केसी 10^9 है, तो रिएक्शन क्या है, पूरी पूरी फॉरवर्ड जा रही है. अब देखो जब ये रिएक्शन पूरी पूरी फॉरवर्ड जाके सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो ए ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बचेगा वाई, क्योंकि यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है. अगर इसका एक्स गया तो इसका 2x, इसका वाई गया तो इसका 3y, इसका 0.5 गया तो इसका 1 चला जाएगा. मतलब ये रेशियो एंड तक मेंटेन रहेगा. यहां पर दो कंसेप्ट बनते हैं, या तो कोई एक एलआर हो, जैसे मान लो ये 2 होता और ये 1 होता, तो यहां पर मेरा बी एलआर हो जाता, तो फिर मैं सिर्फ एलआर से बात करता, बोलता कि इक्विलिब्रियम पर बी बचेगा वाई, ये मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं आपको, और इसके एक मोल के लिए इसका आधा मोल काम में आएगा, ए बचेगा 1.5. जब एक एलआर हो तो आप एलआर से बात करोगे, लेकिन क्योंकि यहां कोई भी एलआर नहीं है, दोनों ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में है 0.51, तो ये रेशियो लास्ट में इक्विलिब्रियम पर भी मेंटेन रहेगा. ये वाई, ये 2y. अब देखो किसी भी एक से बना लो, 1 से 1 बनता है, 0.5 से 0.5 और बन जाएगा, सी बन जाएगा 4, और 0.5 प्लस 0.5 डी कितना हो जाएगा, 1 होगा. अब आप इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो केसी, तो केसी की वैल्यू क्या बनेगी, 4 इंटू 1 अपॉन वाई इंटू 2y स्क्वायर. देखो 4 से 4 गया, केसी की वैल्यू दी हुई है 10^9, तो ओवरऑल ये वाई क्यूब बन जाएगा. So, y cube will be equal to 10^-9 और y की वैल्यू आ जाएगी 10^-3, which is 0.001 मोल. जितना आपने लिया था उससे बहुत कम बचा है, और ये आपके पास y की वैल्यू होगी. आपको कंसेंट्रेशन ऑफ b बतानी है, तो बताओ कंसेंट्रेशन ऑफ b कितनी हो जाएगी, 2y, that is 0.002 मोलर. कर सकते हैं ना. तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन से डील कर सकते हो, जहां पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बहुत हाई वैल्यू दी हुई है, और उस हाई वैल्यू को यूज करके आप आसानी से रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो. तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आप ध्यान रखें, और बड़ी आसानी से आप इनके साथ डील भी कर सकते हैं. चलिए, बहुत ही बढ़िया, मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिखा दिया, और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी करवा दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं. एक मेरे को आपको फॉर्मूला सिखाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. हम थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं एक साथ, फिर मिक्स क्वेश्चंस करेंगे. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी मेजरमेंट. ठीक, तो ये आपको मैंने सिखाया कि अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है ए गैस, और ये डिसोसिएट होकर बना रहा है एन बी गैस, तो शुरुआत में टाइम टी इक्वल टू जीरो पर सिर्फ ए प्रेजेंट होगा, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मान लो ए में से ए अल्फा आ गया, तो ये बनेगा एन ए अल्फा. तो इक्विलिब्रियम पर आपके पास दो गैसेस का ये मिक्सचर होगा. ऑब्वियसली शुरुआत में सिर्फ एक गैस थी ए, उसका अपना मोलर मास रहा होगा, उसे हम बोलते हैं एम थ्योरेटिकल. क्या बोलते हैं, दैट इज इनिशियल मोलर मास, जब आपके पास सिर्फ ए प्रेजेंट है. और दूसरा होता है एम ऑब्जर्व्ड, या फिर आप इसे एम इक्विलिब्रियम बोल सकते हो. तो ये क्या बनेगा, दिस वुड बी द एवरेज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर. होगा,
तो अब आप देखो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एम थियोरिटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड इनटू एन माइनस वन, या फिर मोलर मास होता है टू टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी, तो यहां लिखोगे तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इनटू डी थियोरिटिकल माइनस डी ऑब्जर्व्ड अपॉन डी ऑब्जर्व्ड इनटू एन माइनस वन। आ गया, आप देखो इसमें हम एक ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से। ये डी ऑब्जर्व्ड को इन दोनों के नीचे अलग अलग कर दो और एन माइनस वन अल्फा को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा डी थियोरिटिकल अपॉन डी ऑब्जर्व्ड माइनस वन, इसको इधर भेज दो। सो डी थियोरिटिकल अपॉन डी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा आ जाएगी। तो यहां अगर आप डी थियोरिटिकल डी ऑब्जर्व्ड अल्फा में ग्राफ बनाओ तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका इंटरसेप्ट होगा वन और इसकी जो स्लोप होगी टेन थीटा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा। तो इस तरह से वो होगा एन माइनस वन के इक्वल। तो इस तरह से आप इस ग्राफ के थ्रू एन माइनस वन निकाल सकते हो और उससे आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इसके थ्रू देख सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके काम में आएगा। ग्राफिकल क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन सकता है, जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि इस लाइन की जो स्लोप है वो मान लो है 45 डिग्री एंगल है, तो 45 है तो देखो 10 थीटा यानी स्लोप के लिए आ गई 1, तो एन की वैल्यू आ गई 2। तो आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन के लिए ग्राफ हो सकता है, जैसे मैं ऑप्शन ए लिखूं PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो n क्या होता है, एक मोल से कितने मोल बना, तो देखो एक मोल से दो मोल बन रहा है, n की वैल्यू 2 है, हाँ ये इस रिएक्शन के लिए होगा। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि क्या ये इस रिएक्शन के लिए होगा, तो हाँ एक मोल से दो मोल बन रहा है इसके लिए भी होगा। क्या ये इस रिएक्शन के लिए होगा, हाँ होगा, फंस मत जाना। देखो दो मोल से कितना बन रहा है, 1+3 चार मोल, तो बताओ एक से कितना बनेगा 2, इसके लिए भी होगा। क्या ये इस रिएक्शन के लिए होगा, है ना सब गैसेज हैं, तो देखो दो मोल से दो मोल, एक से कितना बनेगा 1, इसके लिए नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और सी तीनों इसके करेक्ट आंसर। समझ रही बात को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन है, मेंस एडवांस दोनों में पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। तो आपको डेंसिटीज का और अल्फा का ग्राफ दिया है, उसकी स्लोप दी थी 45, एंगल दिया था 45, तो स्लोप आ गई 1, तो n माइनस 1 1 के बराबर होगा, तो यहां से मैंने n के लिए निकाल ली भाई 2 है, तो ये उस रिएक्शन के लिए ट्रू होगा जिसमें एक मोल रिएक्टेंट से दो मोल प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां बन रहे थे, यहां थोड़ा ट्विस्ट था, दो मोल से चार मोल बन रहे थे, तो एक मोल से कितना बनेगा 2, तो इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है, कर सकते हैं ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद हम मिलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन से, तो रिएक्शन क्वेश्चन को आप सभी जानते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन आपको इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन डिसाइड करने में हेल्प करता है। क्यों, आप गिवन कंडीशंस पे, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया था, ये देखो ये यहां पर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सभी के अमाउंट दिए हुए थे ना, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मैं क्यू कैलकुलेट करता हूं, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही, बस जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आप क्यू कैलकुलेट करो और उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से कंपेयर करो। तो अगर आपका क्यू केसी से छोटा आता है तो देखो इक्विलिब्रियम आने के लिए, पहले इक्विलिब्रियम लेते हैं, तो Q इक्वल टू कैसी होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यानी जब भी इक्विलिब्रियम आना है Q को KC के बराबर होना होगा, और जब Q KC से छोटा होता है, देखो Q का जनरल फॉर्म भी क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी Q KC से छोटा है, तो अगर Q को KC के बराबर होना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए और रिएक्टेंट की कम, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जिससे रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कहां शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर Q की वैल्यू KC से बड़ी होगी तब आपकी रिएक्शन कहां शिफ्ट होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आपका रिएक्शन क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि गिवन सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है या फिर नहीं है। अगर वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए वो रिएक्शन किधर मूव करेगी, ये आप रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू से जज कर सकते हो। आई बात समझ में? चलिए फिर मूव करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर जिसे हम बोलते हैं ली चटलियर्स प्रिंसिपल। एक्चुअली तो वो ला शातले होता है लेकिन ठीक है, हम इंडियंस का प्रोनाउंसिएशन यही है इसलिए मैं ली चटलियर प्रिंसिपल ही बोलते हैं। तो देखो ली चटलियर्स प्रिंसिपल क्या है, नाम तो आप सबने सुना होगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर, तो उस सिस्टम को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, अगर आपने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा, इक्विलिब्रियम आप प्रेशर बदल दो, मोल्स बदल दो, टेम्परेचर बदल दो, कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन आपने बदली तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और वो दोबारा से री एस्टैब्लिश होता है। क्या होता है, री एस्टैब्लिश होता है। तो री एस्टैब्लिश होने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, ये आप किसके बेसिस पर डिसाइड करते हो, ली चटलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पर। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये कहता है कि अगर आपने किसी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पर है उसको छेड़ा, उस पर कोई इफेक्ट डाला, तो इक्विलिब्रियम उधर मूव करेगा जिधर उस चेंज का इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता है या फिर नलीफाई होता है। तो पहले तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लो, काम में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड, if a change is imposed on a system at equilibrium, then the equilibrium will shift in that direction in which the effect of change is neutralized or nullified। अब अगर मैं हिंदुस्तानी भाषा में बात करूं तो कहने का मतलब यह है कि जो काम आप करोगे इक्विलिब्रियम उसका जस्ट उल्टा करेगा। तो यहां पे अलग अलग चेंजेस से आपको डील करना होता है। इसमें पहला होता है इफेक्ट ऑफ, ये सब आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, अब नहीं पढ़ा है तो एक बार आप ध्यान से सुन लो, इफेक्ट ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ सब्सटेंस का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट, हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, लेट से ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी, अगर आपने रिएक्टेंट ऐड किया, ठीक है, रिएक्टेंट ऐड करने वाला आपने उसके मोल्स बढ़ा दिए, है ना, तो आपने ए ऐड किया तो इक्विलिब्रियम ए को क्या करना चाहेगा, कम, तो रिएक्शन को कहां लेके जाएगा, फॉरवर्ड। आपने C ऐड किया तो वो उसे कम करना चाहेगा तो कहां लेके जाएगा, बैकवर्ड। तो आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स को ऐड करोगे इक्विलिब्रियम उनकी कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा और रिएक्शन को कहां ले जाएगा, फॉरवर्ड। अगर आपने प्रोडक्ट ऐड किया तो इक्विलिब्रियम उसको कम करना चाहेगा, रिएक्शन कहां ले जाएगा, बैकवर्ड। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ रिएक्टेंट और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट इन दोनों से ही रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड। सही है? और अगर उल्टा कर दो, क्या, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट और एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, तब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी। समझ पा रहे आप इस चीज को? तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा वो आप डिपेंड करता है कि आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो। जो दूसरा आपके पास बहुत ही काम का इफेक्ट होता है, सेकंड, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ
गैसियस मोल्स। देखें ये कॉन्सिक्वेंस है, इसको हम ऐसे याद रख लेते हैं, बट इसका एक्चुअल लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा ही आसान है। जैसे मान लो एक रिएक्शन ले लिया आपने, ये PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। समझना मेरी बात को, पहले तो इसका वो दिखाता हूँ मैं आपको, या चलो पहले प्रूव करते हैं फिर दिखाऊंगा कॉन्सिक्वेंस। क्या आपको इस रिएक्शन के लिए KP पता है? वेरी गुड। क्या होता है? अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 - α2। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो KP और QP बराबर होंगे। अब आप देखो, अगर आपने सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाया तो देखो KP तो उतना ही रहेगा, लेकिन कौन चेंज होगा? QP। और QP क्या हो जाएगा? KP से बड़ा हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम वापस लाने के लिए QP को KP के बराबर होना होगा। देखो QP KP से बड़ा है तो रिएक्शन आपकी कहां शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। ये इसका एक्चुअल लॉजिक होता है। डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है, डेल्टा एनजी 1 है या डेल्टा एनजी नेगेटिव है, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट होगी या शिफ्ट नहीं होगी। तो यहां पर प्रेशर बढ़ाने पर QP KP से बड़ा हो जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। अब आप देखो, बैकवर्ड जाने पर इधर गैसेस के 2 मोल्स थे और इधर गैसेस के 1 मोल थे, तो बैकवर्ड आने पर गैसियस मोल्स क्या हो रहा है? कम। तो इसलिए हम कॉन्सिक्वेंटली बोल देते हैं, अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हैं तो उस पर प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन हमेशा उधर शिफ्ट करेगी जहां पर गैसेस के मोल्स डिक्रीज होते हैं। और ये तो आप जानते हो कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हैं, प्रेशर क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट होगा वो घटे हुए वॉल्यूम का होगा, और जो कम होते हुए प्रेशर का इफेक्ट होगा वो बढ़ते हुए वॉल्यूम का होगा। यानी हम यहां से भी बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब डिक्रीजिंग प्रेशर, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स हायर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी और कम करने पर हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स की तरफ जाएगी। ठीक है, कई बार वो आपसे ना कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पूछेगा। अच्छा, एक चीज आप यहां ऐड कर देना, वो फिर रह जाएगी वरना, कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग प्योर सॉलिड। प्योर सॉलिड ऐड करने का इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, ये कभी कभी ना आपसे कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पूछता है। आपको मान लो इक्विलिब्रियम देता हूं, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ठीक है, तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, इसकी कंसंट्रेशन है 2 मोलर, इसकी है 2 मोलर, इसकी है 1 मोलर और इसकी है 1 मोलर। अब आपसे कहेगा कि इसने सारे, ऐसा करो ए प्लस बी गिव सी ले लो। अभी आपसे कहेगा कि इसने सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाया, बताओ ए बी और सी की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से सुनना, प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन लोअर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, तो सी और बनेगा, तो सी का अमाउंट बढ़ना चाहिए, बी और ए का कम होना चाहिए। तो आप आंसर दे दोगे कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, बी की डिक्रीज होगी और सी की इंक्रीज होगी। ये गलत है, ए के मोल्स डिक्रीज होंगे, बी के मोल्स डिक्रीज होंगे और सी के मोल्स इंक्रीज होंगे, ये सही है, कंसंट्रेशन नहीं। क्यों? आप समझो मेरी बात को, जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे, बताओ वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, होगा। अब वॉल्यूम अगर कम हुआ तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम हुआ तो कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम पर जितने भी हैं सबकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे मान लो आपने प्रेशर डबल कर दिया, प्रेशर डबल करते ही वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ होते ही सबकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, 4 मोलर, 4 मोलर और 2 मोलर। समझ पा रहे हो? अभी देखो, इस रिएक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो वो बनेगा 1/4 इस वाले केस में, और इस वाले केस में लिखूं तो वो बन जाएगा 2/16 यानी 1/8। तो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहा, ये बन गया क्यू। देखो क्यू केसी से छोटा है, अब ये रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, वो तो हमें पता ही था फॉरवर्ड जानी है। तो फॉरवर्ड जब गई तो 4 में से जाएगा एक्स, 4 में जाएगा एक्स और ये बनेगा 2+x। अब आप दोबारा से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, 2+x अपॉन 4 - x2, और इसको 1/4 से कंपेयर करके x निकालो। जब आप x निकालोगे ना, वो आप देख लेना, इस 2 से छोटा ही आएगा वो, मतलब ठीक है ना, क्योंकि 2 - x जा रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप कंसेप्ट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, ये अभी बस मैं आपको इसका एक्सट्रैक्ट दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर बढ़ाने पर
इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट हर एक स्पीसी की कंसंट्रेशन बढ़ती है, हर एक की, और जो नई कंसंट्रेशन आएगी वो हमेशा पुरानी कंसंट्रेशन से क्या होगी, ज्यादा। तो आप मेरी बात ध्यान रखना, अगर वो कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पूछ रहा है, किस पर, कंसंट्रेशन पर, तो डायरेक्शन से आंसर मत देना, आप यहां स्टेटमेंट ऐड करना कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सिंस वॉल्यूम डिक्रीजेस सो कंसंट्रेशन ऑफ एवरी स्पीसी एट इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा था ए बी और सी की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मेरा आंसर होगा सबकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, किसी की भी कम नहीं होगी। हाँ, मोल्स ए और बी के कम होंगे और सी के क्या होंगे, बढ़ेंगे, कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा इफेक्ट आता है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, डिपेंड करता है थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। अब डिपेंड करेगा कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, बताओ एंडोथर्मिक के लिए, हाँ वेरी गुड, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रिएक्शन और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव। अब डेल्टा एच नेगेटिव है तो आप यहां देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर यह टर्म रहेगा पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो लॉग के टू बाई के वन नेगेटिव आ गया, मतलब के टू के लिए के वन से कम हो गई। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो रिएक्शन है वो कहां शिफ्ट होती है, बैकवर्ड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फेवर करेगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे फेवर करती हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे फेवर करती है। एक बात। दूसरा, अब क्योंकि हम रिविजन कर रहे हैं, हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने थर्मो में इक्वेशन सीखा है एक कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच, सीखा है ना। और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। इन वैल्यूज को यहां रखो तो देखो माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट के। तो देखें एल एन के इक्विलिब्रियम जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू वन अपॉन टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, दिख रहा है आपको। तो यहां से एक बहुत ही जे एडवांस के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से अभी बहुत पूछ रहा है ये, मतलब तीन चार साल में दो तीन बार इसने पूछ लिया इस चीज को। तो अगर आप एल एन के इक्विलिब्रियम और वन अपॉन टी में ग्राफ बनाओ तो यहां चार तरह के ग्राफ बनते हैं। कितने तरह के, चार। चार तरह के कैसे, देखो मैं बताता हूं। ये ग्राफ है एल एन के इक्विलिब्रियम और वन अपॉन टी में, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर के इक्वल है और इंटरसेप्ट डेल्टा एच नॉट। तो अब डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट के साइन पे डिपेंड करता है, अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव तो इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, ठीक है। चलिए फिर डिपेंड करेगा स्लोप पर, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो स्लोप नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव तो स्लोप पॉजिटिव। तो दो ये और दो ये चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव, इसलिए स्लोप पॉजिटिव आ गई। तो यहां पर डेल्टा एच नॉट तो हो गया पॉजिटिव और डेल्टा एच नॉट कैसा हो गया, नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस प्लस स्लोप आ गई पॉजिटिव। दूसरा केस डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव और डेल्टा एच नॉट नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव और डेल्टा एच नॉट भी नेगेटिव,
तब इंटरसेप्ट नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। तीसरा केस डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव और डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव, तो ये बन गया डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव। और अब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो स्लोप कैसी आ गई नेगेटिव, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। और तीसरा और आखिरी केस डेल्टा एस भी नेगेटिव और डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव। तो आपको इक्वेशन देख के ग्राफ और ग्राफ देख के डेल्टा एच नॉट और डेल्टा जी नॉट को डील करना आना चाहिए, है ना। अच्छा इसको देखें, ये इक्वेशन बहुत काम में आएगा। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, या फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। ध्यान देना यहां पर हम के इक्विलिब्रियम को केपी भी यूज कर सकते हैं और केसी भी। अगर गैसियस रिएक्शन है तो हम केपी यूज करेंगे और एक्वस रिएक्शन तो हम उसे केसी यूज करते हैं। एक्चुअली ये केपी नॉट और केसी नॉट होते हैं। क्या होते हैं? केपी नॉट और केसी नॉट, क्योंकि आपने देखा कि इस चैप्टर में केपी और केसी की यूनिट होती है। केपी यूनिट थी एटीएम टू द पावर डेल्टा एन जी, है ना। तो अगर मैं यहां यूनिट के साथ लिखूं तो लॉग के अंदर यूनिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। एक्चुअली जैसे डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर होता है। जैसे मान लो रिएक्शन है ए गोज टू बी, अगर मुझे इसके लिए केपी नॉट लिखना है तो केपी नॉट क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी नॉट, जो कि होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। ये बनेगा प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी नॉट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 bar। तो एक्चुअली हमने क्या किया, इंडिविजुअल प्रेशर को पी नॉट से डिवाइड कर दिया। अब ये प्रेशर बार में, ये बार में यूनिटलेस, या एटीएम में तो इसको भी एटीएम में कन्वर्ट कर देंगे। ओवरऑल ये क्वांटिटी यूनिटलेस, ये क्वांटिटी भी कैसी होगी, यूनिटलेस। तो अभी ध्यान रखना, हो सकता है जो एडवांस छोटे से बारीक से पॉइंट को पूछ ले। एक्चुअली ये डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के नॉट होता है। के नॉट एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो उसका एक्सप्रेशन और वैल्यू तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही आती है, बस वो क्वांटिटी कैसी हो जाती है, यूनिटलेस हो जाती है। समझ रहे आप मेरी बात को। चलिए तो ये आपके टेम्परेचर का इफेक्ट था, इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ इफेक्ट पर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा, नहीं है तो बहुत अच्छे से ध्यान रखें। दो कंडीशंस पर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं। अगर हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड किया है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और अगर हमने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करोगे तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक। ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने पर रिएक्शन किधर जाती है, हायर गैसियस मोल्स की तरफ जाती है। कहां जाती है, हायर गैसियस मोल्स की तरफ। अच्छा टेम्परेचर पे मुझे आपको एक और इफेक्ट दिखाना था ग्राफ्स के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और फिफ्थ आपके पास आता है कैटलिस्ट, अभी बता रहा हूं एक बार ये कवर कर लें। तो ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये क्या करता है, हाँ इक्विलिब्रियम को अटेन करने में लगे टाइम को चेंज कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो टाइम को कम कर देगा, नेगेटिव है तो टाइम को बढ़ा देगा। अच्छा जो मैं आपसे कह रहा था टेम्परेचर में एक और चीज, तो आप ध्यान देना, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, है ना। तो टेम्परेचर में क्या होता है, ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछता है कई बार, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। जेई के आजकल फेवरेट्स में से चल रहा है। तो जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन थी, उसके लिए रेट और टाइम का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो रेट और टाइम का ग्राफ बनाऊं, अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर था किसी T1 टेम्परेचर पर। अब आपने क्या कर दिया, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट बढ़ती हैं। ये हमने काइनेटिक्स में सीखा हुआ है और हम अभी पढ़ेंगे जब दोबारा भी कवर करेंगे। तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये ग्राफ शिफ्ट होगा फॉरवर्ड। ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन थी तो इसकी रेट भी बढ़ जाएगी, ये बैकवर्ड थी इसकी रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और किसी T2 टेम्परेचर पर ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हुआ रेट का ग्राफ, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, ऐसे ही शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड की रेट भी बढ़ जाएगी, बैकवर्ड की रेट भी बढ़ जाएगी,
और नया इक्विलिब्रियम इससे ऊपर मतलब जल्दी आ जाएगा, टाइम आपके पास कम लगेगा उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने में। तो आई एम सॉरी, इस ग्राफ को थोड़ा सा हमें पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये यहां इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होकर यहां पहुंचेगी, और अब जो टाइम लगेगा वो रिलेटिवली क्या होगा, कम, क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट्स क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक, हाँ, अगर हम यहां पे ग्राफ बनाए टेम्परेचर के अगेंस्ट टेम्परेचर, अलग टेम्परेचर पे बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो ये आप थोड़ा समझना, यहां पर कहानी थोड़ी बदल सकती है। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और इक्विलिब्रियम पे कॉन्स्टेंट हो जाती है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ती है और इक्विलिब्रियम पर कॉन्स्टेंट हो जाती है। ये ग्राफ बना है T1 टेम्परेचर पर। अब अगर मैं टेम्परेचर को बदल के कर दूं T2, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और मान लो ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे फेवर करती हैं। तो क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट की यील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब जब आप प्रोडक्ट के लिए नया ग्राफ बनाओगे तो वह नया ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो, शुरुआत तो सेम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से होगी, लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम पर आओगे तो उसकी, ये ग्राफ है टेम्परेचर T1 पर और ये होगा T2 पर। किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन चली गई। और रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, ग्राफ और ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो चुकी होगी। तो इस तरह से इस ग्राफ के अंदर क्या आएगा, चेंज फॉर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, अगर यही ग्राफ हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बनाएं, किसके लिए बनाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो ध्यान देना, कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो पहले तो हम वही नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं, रिएक्टेंट के लिए ग्राफ था ये, और प्रोडक्ट के लिए ग्राफ होगा ये T1 टेम्परेचर पर। और अब रिएक्शन कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, यानी इक्विलिब्रियम अमाउंट्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कम हो चुके होंगे। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो रिएक्शन की रेट बड़ी होगी, रेट बड़ी होगी तो शुरुआत में क्या होगा, रिएक्शन की रेट बढ़ी तो ग्राफ ऊपर चलेगा और इक्विलिब्रियम पर अल्टीमेटली वो नीचे आ जाएगा। यानी ये होगा T2 टेम्परेचर और ये होगा T1 टेम्परेचर, और यहां पर T2 T1 से बड़ा है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट अब, सॉरी, ये तो प्रोडक्ट के लिए बना दिया हमने, पहले से कम बना होगा, रिएक्टेंट पहले से कम कंज्यूम होगा। तो शुरुआत में रिएक्टेंट कंजम्पशन की रेट ज्यादा होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पर उसका अमाउंट पिछले अमाउंट से क्या आ जाएगा, ज्यादा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे दोनों चीज रिफ्लेक्ट, देखो यहां सिर्फ रेट रिफ्लेक्ट हो रही थी, यहां पर दोनों चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। रेट बढ़ गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट बढ़ेगी। देखो, रेट बढ़ गई, रिएक्टेंट की बढ़ गई प्रोडक्ट की बनने की और रिएक्टेंट की कंज्यूम होने की, लेकिन अल्टीमेटली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन ओवरऑल बैकवर्ड आएगी, तो इक्विलिब्रियम पर जो यील्ड आएगी वो पहले से क्या हो चुकी होगी, प्रोडक्ट के लिए कम, और रिएक्टेंट का अमाउंट पुराने इक्विलिब्रियम अमाउंट से क्या हो चुका होगा, ज्यादा। एक दो बार तो ये पूछ चुका है। हाँ, अब आपसे नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मान लो आपको ये डेटा दे दूं, ये मान लो ये है 0.2 मोलर, ये है 0.3 मोलर, है ना, ये वाले मैं आपको दे दूं है कुछ लेट्स से 0.6 मोलर और ये है कुछ 0.8 मोलर। टेम्परेचर दे दूं, T1 टेम्परेचर था 300 केल्विन और T2 है 400 केल्विन, बताओ रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसा होगा। तो आप देख लो, T1 टेम्परेचर पर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पता है, रिएक्टेंट पता है, T2 टेम्परेचर पर पता है, तो यहां से आप K2 K1 निकाल सकते हो। लगा दो फॉर्मूला, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इनटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, कर सकते हैं। तो ये था आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। सिमिलरली जब आप इसमें कैटलिस्ट ऐड करोगे तो कैटलिस्ट ऐड करने का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, बट सेम यही होगा, उसमें क्या होगा, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की रेट को सेम अमाउंट से बढ़ा देगा, और इक्विलिब्रियम अटेन करने में टाइम लगा होगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो ऐसे ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से यहां पर खेलना आना चाहिए, सही होगी बात। चलिए, ये तो ही बात आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की। फिर आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, या फिर जिसे हम बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं?
फेज इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप फिजिकल इक्विलिब्रियम से डील कर रहे हो, जैसे सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, लिक्विड का गैस में, और एक एलोट्रॉप का दूसरे एलोट्रॉप में बदलना, तो आप ये ध्यान रखना कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फिजिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स हायर डेंसिटी। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है, हाई डेंसिटी की तरफ शिफ्ट होता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये था आपका ओवरऑल केमिकल इक्विलिब्रियम का थ्योरी पार्ट। अब आओ कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो और जिनमें आप अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हो। तो देखें ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया है, आप देखो अपना अगला क्वेश्चन। ये एक आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो उससे भी आप यहां पर डील कर सकते हो। देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन N2O5 इज हीटेड एट टेम्परेचर टी इट डिसोसिएट्स एज N2O5, ये सब गैसेस हैं है ना, तो मैं गैस लिखता हुआ चल रहा हूं, गिव्स यू N2O3 गैस प्लस O2 गैस, और इस रिएक्शन का केसी आपको दिया हुआ है 2.5। एट द सेम टाइम N2O3 ऑल्सो डीकम्पोज, जो N2O3 बना वो फर्दर डीकम्पोज हो रहा है इनटू N2O गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, इफ इनिशियली 4 मोल्स ऑफ N2O5 आर टेकन इन 1 लीटर फ्लास्क, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं होता है, जो कॉमन स्पीसीज होते हैं ना उनकी कंसंट्रेशन आपको सेम रखनी होती है। तो देखना कैसे करेंगे हम, आपने इनिशियली इसका 4 मोल लिया, तो देखो 4 मोल में से कुछ बनेगा या कुछ बनेगा, फिर ये आगे कंज्यूम होगा। ठीक है, तो जब दोनों इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गए हैं तो मान लो 4 में से गया होगा x, ये x और ये x, फर्दर इसका x में से गया होगा y, तो ये बनेगा y और ये बनेगा y। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस सेम स्पीसी की सेम आएगी, तो बताओ N2O3 यहां x माइनस y, तो यहां पर भी x माइनस y, O2 यहां से x यहां से y, तो ओवरऑल O2 कितना हो गया x प्लस y। बस अब जो सॉल्व करना है आप सॉल्व कर लो। तो ये कह रहा है 1 लीटर का फ्लास्क है, तो जो मोल से वही कंसंट्रेशन है, O2 की कंसंट्रेशन है 2.5, तो देखो x प्लस y की वैल्यू आ गई 2.5, और कंसंट्रेशन ऑफ N2O इज, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ओके अच्छा पूछा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O आपसे पूछा है, यानी उसने y की वैल्यू पूछी है, तो भाई सॉल्व कर लो। दो इक्वेशन है, देखो KC दिया है, तो इस रिएक्शन के लिए KC किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस y इंटू x प्लस y अपॉन 4 माइनस x, और देखो x प्लस वाई की वैल्यू 5/2 दी हुई है, और KC भी कितना दिया हुआ है 2.5 ही दिया हुआ है, तो 2.5 गया, तो देखो x माइनस वाई की वैल्यू बन गई 4 माइनस x, या फिर 2x माइनस वाई बन गया 4, और एक इक्वेशन आपके पास है ही x प्लस वाई कितना है 2.5, तो दोनों को ऐड कर दो, सो 3x इज इक्वल टू बन जाएगा 6.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6.5/3, ऐसा करो ना y निकालना है ना आपको, तो y, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x plus 2y is equals to 5, this minus this करो, 2x से 2 गया, 2y plus y, 3y is equals to 1, है ना, this minus this कर रहे, तो y equal to बन जाएगा 0.333, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जरूरत भी नहीं थी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता है, दो इक्विलिब्रियम एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, और जो कॉमन स्पीसी होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है। देखें इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन, ये देखें फिर से वही, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, बार बार आ रहा है। चलिए, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ सेम अमाउंट ऑफ PCl5 इज एडेड कीपिंग टोटल प्रेशर कॉन्स्टेंट 20 atm एट सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम वी टू द इनिशियल वॉल्यूम वी विल बी। तो देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये उसी क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट आ गया है। क्या कह रहा है, इन द सेम प्रॉब्लम जो लास्ट प्रॉब्लम थी, इफ द सेम अमाउंट ऑफ PCl5 इज एडेड कीपिंग टोटल प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो आपके पास क्या था, PCl5 गैस था, उससे क्या बन रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो इनिशियली आपने 10 मोल ऐड किया था, इसका था 5 मोल, इसका था 5 मोल,
और इसका भी था 5 मोल, है ना। ओके, द सेम अमाउंट ऑफ PCl5 गैस व्हिच वाज एडेड आफ्टर फर्स्ट इक्विलिब्रियम एडेड कीपिंग टोटल प्रेशर कांस्टेंट एट 20 atm एट सेम टेंपरेचर द रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम V टू द इनिशियल वॉल्यूम V विल बी। अब आप P टोटल को रख रहे हो कांस्टेंट, तो ठीक है इस बार मोल्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएंगे, तो फिर से कर लेना है तो हो जाएगा N2 by N1 जो होगा इस बार किसके कुल हो जाएगा V2 by V1 के। इफ द प्रीवियस द सेम अमाउंट ऑफ PCl5 गैस व्हिच वाज एडेड आफ्टर फर्स्ट इक्विलिब्रिया इज एडेड, मतलब आपने 5.77 मोल और ऐड कर दिया उसका, ना तो 15.77 मोल्स टोटल हो गए एंड कीपिंग टोटल प्रेशर कांस्टेंट एट 20 atm एट द सेम टेंपरेचर द रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम V टू द इनिशियल वॉल्यूम V विल बी। भाई पहले 15 मोल्स थे, ठीक है ना, अब आपने क्या किया इसका टोटल 15.77 मोल ऐड कर दिया, द सेम इज एडेड इन टोटल प्रेशर कांस्टेंट 20 atm एट सेम टेंपरेचर द रेशियो ऑफ न्यू वॉल्यूम V टू द इनिशियल वॉल्यूम V विल बी। तो आपने 15.77 ऐड किया था तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थी अपनी, अल्फा की वैल्यू थी 0.426, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा तो 15.7 माइनस 1.426 ये बनेगा 15 × 0.426 और ये भी बनेगा 15 × 0.426। अब आपको नए टोटल मोल्स मिल जाएंगे N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 और यहां से आप V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आप ट्राई कर लेना, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, हम बढ़ते हैं देखें अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या कह रहा है। ये देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ अनडीकंपोज्ड N2O4 इज 46, व्हेन हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल वेपर डेंसिटी डिक्रीजेस टू 24.5 परसेंटेज रिडक्शन ऑफ N2 एट इक्विलिब्रियम इज, तो आई थिंक ऑप्शन दिए होंगे तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है क्या, डी थियोरिटिकल माइनस डी ऑब्जर्व अपॉन डी ऑब्जर्व इंटू एन माइनस, तो दिख रहा है डी थियोरिटिकल 46 ऑब्जर्व 24.5 एन, N2O4 के एक मोल से टूटने पर क्या बनता है 2 मोल NO2। यहां से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ O2 एंड, ठीक है तो आपने SO2 लिया है। देखो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना थोड़ा सा रेडॉक्स को मिक्स कर लिया है, तो कई बार JEE का ये भी टेस्ट होता है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो स्टार्टिंग विद 2 मोल SO2 एंड 1.5 मोल O2 इन अ 10 लीटर फ्लास्क, इक्विलिब्रियम पर मान लो इसमें से गया एक्स, तो देखो 2 मोल के लिए 1 मोल, 1 के लिए आधा, 1.5 में से जाएगा एक्स बाय 2 और एक्स से ये बनेगा एक्स मोल डिवाइडेड बाय सबका वॉल्यूम 10 लीटर, तो इससे आ जाएगी सबकी कंसेंट्रेशन। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिक्वायर्ड 0.4 मोल, यहाँ पे KMnO4 है इसको आप करेक्ट कर लेना, इन एसिडिक मीडियम। तो अब क्या होगा, कह रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में KMnO4 से, अब आपको डिसाइड करना है कि KMnO4 से रिएक्ट कौन कौन करेगा, O2 रिएक्ट नहीं करेगा, O2 जीरो स्टेट में अपनी हाईएस्ट स्टेट में है, वैसे O2 फ्लोरीन के साथ प्लस बना सकता है, KMnO4 नहीं करेगा, सल्फर यहां पहले से ही प्लस 6 में है, ये भी KMnO4 से रिएक्ट नहीं करेगा, ये हम जानते हैं SO2 KMnO4 से रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होता है SO4 2- में, तो ये प्लस 4 से जाएगा प्लस 6, इसका एनफैक्टर हो जाएगा 2 और KMnO4 का एसिडिक मीडियम एनफैक्टर हाँ 5 होता है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 होना चाहिए, तो बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ SO2 क्या होंगे, उसके मोल्स, ये कंसेंट्रेशन है ना मोल्स, इनटू इसका एन फैक्टर, दिस शुड बी इक्वल टू KMnO4 के मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर, 5 × 4 = 22, 2 से गया 2, एक्स की वैल्यू आ गई 1, कैसे आ गई देखो 2 − x = 1, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो 2 − 1 ये बचेगा 0.1, 1/2 इज 0.5 ये भी बचेगा 0.1 और 1/10 इज ये बनेगा 0.1, तो ओवरऑल केसी के लिए बन जाएगी 0.1 होल स्क्वायर अपॉन 0.1 होल स्क्वायर इनटू 0.1, केसी आ गया 10, कितना आ गया 10, सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी।
कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जहां पर वो इक्विलिब्रियम को क्या कर सकता है, रेडॉक्स के साथ भी मिक्स कर सकता है। चल जाओ भैया, चलिए कुछ तकनीकी खराबी आ गई इसमें। चलिए तो फिर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का यूज कर रहा है, कह रहा है फॉर द रिएक्शन N2O4 गैस गिव्स टू NO2 गैस, डेल्टा जी नॉट दिया है 4.8 किलो जूल पर मोल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इक्विलिब्रियम 298 केल्विन इज आर नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट पढ़े, वैल्यू ऑफ केपी नॉट लेस देन 1, केपी नॉट, केपी नॉट, केपी नॉट। चलिए देखो, डेल्टा जी नॉट देखो अगर आप इस रिएक्शन का, तो इसका डेल्टा जी नॉट दिया हुआ आपको पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है -RTln के इक्विलिब्रियम के होता है। तो अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो ln के इक्विलिब्रियम नेगेटिव आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केपी नॉट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो आपसे ना नॉट करेक्ट पूछा, तो देखो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये आंसर हो गया, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो बी सी और डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होने चाहिए। सही है। अच्छा आपको याद होगा ये इसका एक रिलेशन, हम ये भी पढ़ते थे इसके ना ग्राफ पढ़ते थे हम लोग, वैसे हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इधर गिब्स एनर्जी होती है, इधर मोल फ्रैक्शन होता है, इधर रिएक्टेंट होता है, इधर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ डेल्टा जी नॉट आप इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का साइन देख सकते हो और ये बता सकते हो कि 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे मान लो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, जैसे यहां था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से छोटा है तो प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से कम होगी। ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, ये होता है जी नॉट रिएक्टेंट, ये होता है जी नॉट प्रोडक्ट। तो जी नॉट प्रोडक्ट जी नॉट रिएक्टेंट से ज्यादा है, इसलिए डेल्टा जी नॉट जो है वो पॉजिटिव है। इसको देखते हुए आपको ग्राफ बनाना होता है, या ग्राफ से आपको निकालना आना चाहिए कि भाई देखो प्रोडक्ट का जी नॉट ज्यादा है तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन पॉजिटिव होगा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 है तो इक्विलिब्रियम यहां पर आएगा, मिनिमा जहां बनता है, और वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से क्या होगी, ज्यादा। सिमिलरली देखो, अगर यही ग्राफ मैं बनाऊं एक ऐसी रिएक्शन के लिए जिसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, तो उस केस में जी नॉट रिएक्टेंट ज्यादा होगा और जी नॉट प्रोडक्ट कम होगा। अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा आएगा, तो इस बार इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो मैंने आपको यहाँ हल्का आइडिया दे दिया है, बट इसको मैं दोबारा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज करूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं देखें अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, फटाफट क्वेश्चन देखते चले। तो आप ये ली चटलियर्स का यूज सिखा रहा है आपको, फिर से तकनीकी खराबी, बैटरी लेकर आता हूं मैं, है ना। चलिए तकनीकी खराबी के लिए खेद है। तो ली चटलियर्स प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, रिएक्शन दी हुई है डेल्टा एच नेगेटिव यानी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, डीकम्पोजिशन ऑफ Cl(F3) विल बी फेवर्ड बाय, और देखो इस रिएक्शन के लिए नहीं पूछ रहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ Cl(F3) क्या होगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका डीकम्पोजिशन होगा N2 3F2 + Cl2। तो अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा हो चुका होगा, पॉजिटिव हो चुका होगा। तो देखो एंडोथर्मिक हो गया रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका डीकम्पोजिशन फेवर करेगा, ऑप्शन ए सही है। पता नहीं आज कितनी तकनीकी खराबी आएंगी। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देखो मैंने आपको सिखाया था वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन किधर मूव करेगी, हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगी, किधर मूव करेगी, हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करेगी, यानी ये भी सही है क्योंकि इधर 2 मोल से इधर 4 मोल है, वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, Cl(F3) का डीकम्पोजिशन फेवर करेगा। थर्ड एडिशन ऑफ F2, एडिशन ऑफ F2 पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, डीकम्पोजिशन फेवर नहीं करेगा, तो ये गलत है। एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मैंने आपको सिखाया कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने पर हाँ रिएक्शन हायर मोल्स की तरफ जाएगी, हायर मोल्स जा रहे हैं, तो ए बी और डी देखें ये आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखें, जो मैंने आपसे कहा था, ये कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन दिस 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 गिव्स दिस, तो देखो डेल्टा एच -24 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अभी कह रहा है 3 ग्राफ दिए हुए T1, T2, T3, तो हम देखो एक डिपिक्शन कर सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है,
यील्ड देखो, T1 टेम्परेचर पर यील्ड थी ये, T2 पर है ये, अच्छा हाँ प्रेशर के साथ दी हुई है अलग अलग टेम्परेचर पर, और T3 पर यील्ड है ये। तो देखो T1 से T2, T2 से T3 यील्ड बढ़ रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने, टेम्परेचर के साथ साथ यील्ड बढ़ रही है, इसका मतलब ये टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो T3 इनमें सबसे छोटा, T2 और T1। आप ऐसे चलो, जैसे जैसे देखो आप जा रहे हो नीचे की तरफ, तो यील्ड कम होती जा रही है। तो यील्ड कम हो रही है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब ये टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो आई थिंक आपको यही बताना है। हाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। कर सकते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये आप सभी जानते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है। मैं आपको बताता हूं, ये पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखना, N2 गैस प्लस O2 गैस, ये जो रिएक्शन है यहां पर भी देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है, N2 और O2 मिलकर 2NO बना रहे हैं, पर आप ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकता है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक, बाकी आप रिएक्शन देख लो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक्सो होगी, H2 प्लस O2 H2O एक्सोथर्मिक होगी, C प्लस O2 CO2 एक्सोथर्मिक, S प्लस O2 SO2 एक्सोथर्मिक। मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं, लेकिन ये रिएक्शन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, क्योंकि पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO एंडोथर्मिक होगी। तो जहां इस रिएक्शन पर टेम्परेचर बढ़ाने पर यह बैकवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर कहां मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन है। व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज रिजिड 1 लीटर वेसल मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर एस्टैब्लिश्ड। तो यहां इक्विलिब्रियम साइन लगा लें, द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो देखो आपने शुरुआत की थी 1 मोल ए से, सो ये बनेगा बी गैस प्लस सी गैस, फिर जो सी गैस बना वो टूटकर फिर से क्या बना रहा है, डी गैस प्लस बी गैस। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स गया होगा, ये एक्स ही एक्स, सी एक्स में से गया होगा वाई, तो ये बनेगा वाई, ये बनेगा वाई। तो देखो सी तो बन गया एक्स माइनस वाई, और बी टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। बस अब सॉल्व कर लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के सी टू अपॉन के सी वन, के सी वन इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, के सी टू इसका है। इफ सी इक्विलिब्रियम अपॉन बी इक्विलिब्रियम की वैल्यू है 1/5, तो सी इक्विलिब्रियम कितना आया, एक्स माइनस वाई, बी इक्विलिब्रियम कितना आया, एक्स प्लस वाई, वैल्यू आ गई 1/5। एक और जिसने बोला है, द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर, तो एक देखो यहां से देख लो आप, ये एक रिलेशन आ जाएगा, 5x - 5y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, सो 4x इज इक्वल्स टू 6y, सो एक्स इज इक्वल्स टू बन गया 3/2y, एक रिलेशन। दूसरा, फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर का रेशियो है 2, फाइनल प्रेशर डिपेंड करेगा फाइनल मोल्स पे, इनिशियल प्रेशर इनिशियल मोल्स पे, तो फाइनल मोल्स हो गए। अब ध्यान देना है, गलती मत कर देना, कुछ क्या वैज्ञानिक प्रति के लोग बी को 2 बार ऐड कर देते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस, पागल हो, नहीं, ए के मोल्स 1 - x प्लस बी के मोल्स एक्स प्लस वाई प्लस सी के मोल्स एक्स माइनस वाई और डी के मोल्स, बस चार स्पीसी है ना, चारों के मोल्स जोड़ दो, एक्स से गया एक्स, वाई से गया वाई, ये बन गया 1 + x, सो 2 शुड बी इक्वल टू फाइनल मोल्स 1 + x, इनिशियल मोल्स थे 1, एक्स के वैल्यू आ गई 1, एक्स के लिए 1 आ गई, तो वाई के वैल्यू आ गई 2/3, दैट इज 0.667। क्या पूछ रहा है, के सी टू अपॉन के सी वन, भाई रखो वैल्यूज, एक्स के वैल्यू 1 और वाई के वैल्यू 2/3 यूज करता हूं, तो देखो एक्स की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती है, राहुल विलाकुवत, ये क्या हो गया, कुछ गलती कर दी क्या हमने, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर, तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज ट्वाइस द इनिशियल प्रेशर, तो पी फाइनल हो गया एन फाइनल। वापस देखो, 1 - x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी हो गया एक्स माइनस वाई प्लस डी हो गया वाई से वाई गया, सॉरी गलती कर दी मैंने, 1 + y + x बचेगा, भावना में बह गया। सो यहां से आपको x प्लस वाई की वैल्यू 1 मिल जाएगी, x को लिखो यहां, सो 3/2y + y इज इक्वल्स टू 1, 5y / 2, तो y की वैल्यू आ गई 2/5, दैट इज 0.4,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6। अब आप देखो x और y की वैल्यूज यहां रख के KC1 निकाल सकते हो, KC2 निकाल सकते हो, सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर 4 मिल जाएगा। वो मैंने थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी में गलती कर गया, बाकी तो ये आपका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो कुछ नहीं होता, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में दो इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टेब्लिश होंगे और आपको कॉमन स्पीसी की कंसंट्रेशन क्या रखनी है, सेम। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये देखें एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली थर्मो को इक्विलिब्रियम में यूज कर रहा है, इसलिए मैंने इसे यहां पर यूज किया है। ध्यान से देखें क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन Cl2O गैस प्लस H2O गैस गिव्स 2HOCl गैस। Kp दिया हुआ है 0.1 एट 300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 0.1 दी हुई है। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड, आई थिंक एम स्प्रिंटेड डेल्टा जी नॉट निकालना है शायद इस रिएक्शन का। नहीं, Cl2O गैस दिया, H2 गैस दिया है। हाँ, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ HOCl गैस, ये फाइंड करना है। तो देखो थर्मो आपको इतनी तो आती ही है ना। इस रिएक्शन का अगर मैं एंथैल्पी चेंज लिखूं डेल्टा एच, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HOCl माइनस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2O गैस प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस। ठीक, तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको ढूंढना है, कहीं से इस रिएक्शन का डेल्टा एच ढूंढ लाओ। तो देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट दिया है, हाँ क्लिक कर गया आपको। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकाल लो यूजिंग माइनस RTLNK या फिर माइनस 2.303। देखो उसको 2.3 लेना है, मिसप्रिंट हो गया है, आरटी लॉग द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो ध्यान से देखें माइनस 2.3, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर है 300 और लॉग के इक्विलिब्रियम है 0.18 × −1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके देख लो, 2.3 इंटू 3 हो गया 6.9, 8.3 इंटू 6.9 इज 724, है ना, 7224 इंटू ये हो गया 89, तो 7275, 57.27। तो ये बोले आ गई 57.27 इंटू 100, ये आएगी जूल में, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये बन जाएगा 5.727 किलो जूल पर मोल। आ गया, अब आपको सिलेक्शन का डेल्टा जी नॉट मिल चुका है। ये रहा डेल्टा जी नॉट, ये रहा डेल्टा एस नॉट। तो बताओ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है ना। तो यहां से डेल्टा जी नॉट के लिए यहां पे रखो, दिस वुड बी 5.727, ध्यान रखना है किलो जूल में है। दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टेम्परेचर है 300, डेल्टा एच नॉट है 15.91 और इसको डिवाइड आपको करना पड़ेगा 1000 से। थर्मो में जहां इक्वेशन आ गए यूनिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां से डेल्टा एच निकालो, उस वैल्यू को यहां रखो, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा 77.25 किलो जूल पर। तो कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कंसेप्ट मैंने सिखा दिया, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जे एडवांस में नहीं पूछे गए हैं, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ये तो आप ही करें, इसमें कुछ है नहीं करने का ज्यादा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सॉलिड दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पर, तो आप देखो सॉलिड टूटेगा, ध्यान से सुन लो, बहुत आसान है, ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन में किए हुए हैं। तो सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है, इन दोनों का जो प्रेशर होगा क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल हैं, तो इनका 1:1 का रेशियो रहेगा। तो आपको दिया हुआ है केपी इसका 0.06, तो दोनों का प्रेशर पी मान लो, इसका भी पी इसका भी पी, तो बताओ केपी किसके इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर के, और पी स्क्वायर की वैल्यू है 6×10−2। यहां से आपको पी मिल जाएगा, एक बार पी मिल गया तो बताओ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, पी प्लस पी दैट इज 2p। वेट वेट वेट, एक और छोटा सा लोचा है इसमें, इसमें पहले से ही कुछ A2 प्रेजेंट है, तो वापस से करते हैं। देखो ये कह रहा है 2AB सॉलिड टूटकर क्या बना रहा है, A2 गैस प्लस B2 गैस। तो ध्यान से देखो टाइम t इक्वल टू जीरो पर A2 का प्रेशर तो पहले से 0.5 दिया हुआ है,
अब इक्विलिब्रियम पर ये टूटकर x बनाएगा, तो ये 0.5 प्लस एक्स और ये बनाएगा x। अब जो आपका kp है वो किसके इक्वल होगा, x इंटू 0.5 प्लस एक्स। तो भैया यहां से आपको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, उससे आपको मिलेगा x। एक बार x मिल गया तो बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा, 0.5 प्लस 2x। तो वो आप एक बार सॉल्व करके देख लेना, आसान है, वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो ये देखें, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया वापस से। ओहो मुझे एक क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं मिला। चलिए तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि बेस्ड थे केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। बाकी क्वेश्चंस अब आपको शीट के अंदर मिल जाएंगे जो हमने आपको दी हुई है, तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। कुछ एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं, बाकी आपको जो मटेरियल मिला हुआ है उसके अंदर है। मेरी तरफ से आपका चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, एटलीस्ट इनको ट्राई कर लें पहले, उसके बाद आपको जो मटेरियल सॉल्व करना है सॉल्व करें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने अगले चैप्टर दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ।